अभी कुछ चंद सेकंड पहले कुछ बड़ी खतरनाक आवाज आई मुझे। कहाँ से? हाँ छोड़ आप। आपने सीखा भाई साहब? कितना प्राउड फील कर रहे मैंने। I'm also doing a movie with the Bas Mastan. You are? Yeah, I'm just promoting my film little bit. What are you playing? Eh? What are you playing? यार जे एक बार निकल गया दूसरी बार थोड़ी ना याद आएगा मैंने क्या बोला। You know, whatever is coming, just accept in the name of Lord. मैं बताना चाहूंगी कि मैं भी कराची से बिलोंग करती हूँ। आई एम फ्रॉम कराची। सो मेरी अभी अभी शादी हुई है यहाँ आके। कराची से यहाँ शादी करने के लिए? जी। क्या बात है यार। अरे वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा कि आप दोनों का प्यार है मियाँ बीवी का, ऐसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी हो जाए तो मजा आ जाए। अजी आज जो मोहतरमा यहाँ पे आने वाली है, मेरा चेहरा देख के पता लग रहा है कि खास मोहतरमा आने वाली है। आप देखना, जब वो आएंगी आप खुशी से नाच उठेंगे, और अगर आप नहीं भी नाचे तो वो आपको नचवा देंगी, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एक्टर और बेस्ट डांसर हैं, और उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन डांस अकेडमी भी खोली है। वाह। सो आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा द मोस्ट ब्यूटिफुल द मोस्ट ग्रेसफुल मिसेज माधुरी दीक्षित नेने जी का। आप आते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। थैंक यू। आप मेरे दिल करता है आज शो वो छोड़ते हैं, वैसे बैठ के बातें करते हैं आज। हाँ चलिए। अबे ओए, तुम बातें बातें कर लो, हम यहाँ अंडे उबाल ले आए क्या? इनको देख लो, मतलब मैं किसी से बात कर लूं ये झट से उबलने लगते हैं। आप कह लो पहले जो कहना है। कह दूं? आवाज है खलक नगाड़ा है खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। इनके लिए फिर से ठोको। परमात्मा की आड़ में, ये जो परमात्मा की आड़ में अपनी आत्मा को खुश करते हो ना, ये सब समझ में आता है मुझे। आपकी कातिल अदाएं देखकर फरिश्तों का भी दिल मदहोश होता है, आपके आने से धरती पर भी जन्नत का एहसास होता है। आप ये माने या ना माने, माधुरी जी सच बात करता हूं, हुस्न शुरू आपसे होता है और खत्म भी आप ही पे होता है। क्या बात है, पता है? क्या बात है, ये इनको नींद नहीं आती है जब तक ये खूबसूरती की तारीफ ना कर ले। घर पे जाके फिर जो मर्जी झेलें वो इनकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन बड़े दिलेर हैं आप। पाजी सलूट है आपको। माधुरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। सबसे पहले तो आपको आपकी डांस अकेडमी के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। उस अकेडमी के साथ ऑलरेडी जो है 2 लाख लोग जो है वो जुड़ भी चुके हैं, सो इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। पर 2 लाख लोग ऑलरेडी इनकी अकेडमी में जुड़ चुके हैं, 70,000 वोट पड़ जाए ना किसी आजाद उम्मीदवार को, वो एमएलए बन जाता है। आप 3 बार मेरे ख्याल से कम 3 सीटें जीत सकते हैं अगर आप लोग इतना प्यार करते हैं। तू एमएलए की बात करता है, मैं कह रहा हूं माधुरी दीक्षित फॉर प्रेसिडेंट बन गई, ठोको। दो सौ से भी ऊपर कंट्रीज से ये सब लोग जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व में से एक्चुअली। जी हाँ बिल्कुल। तो ये आइडिया कैसे आया मैम आपको? वेल, चूंकि मुझे डांस इतना पसंद है और मुझे ये भी पता है कि डांस से बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। जी। एक तो अपनी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, आप फिट रहते हैं, हम देख रहे हैं। मेंटली भी आप तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, मेरा डांस पसंद किया और मुझे इतना पसंद है, तो क्यों ना इसे हर घर में लिया जाए। जी बिल्कुल सही। और कैसे लेके जाएं इसे ये पता नहीं था, लेकिन मैंने हस्बैंड से कहा मेरे कि मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसका एक मजा उठा सके और उसके जो एडवांटेजेस हैं वो ले सके, तो ये हो सकता है क्या? तो एकदम मन मन मुस्काए, बोले हो सकता है। और उसके बाद वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मतलब और ये ऑनलाइन डांस आइडिया? यस यस, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत, मतलब ही इज वेरी वेरी गुड एट दैट, और अच्छे डॉक्टर हैं ही, लेकिन वो पार्ट भी उनका बहुत अच्छा डेवलप है। बिल्कुल, अमेरिका जैसे इतना वो टेक्नोलॉजी में बिजी है कि उन्होंने माधुरी मैम को देखा ही नहीं था शादी से पहले एक्चुअली। तो उन्होंने खुद भी कोई एकेडमी खोली ऑनलाइन इंजेक्शन लगाने की कि नहीं? अब खोलने का विचार है।
मतलब ये एकेडमी में कोई भी ज्वाइन कर सकता है सिद्धू साहब चाहे तो। हाँ बिल्कुल सिद्धू जी, आप भी ऑनलाइन है, इट्स एन ऐप। ये तो ऑफलाइन भी कर लेते हैं ज्वाइन करके। आपके पास सेलफोन तो होगा सिद्धू जी? बिल्कुल है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास आईपैड हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, यू कैन डाउनलोड इट ऑन एनीथिंग। तो आप घर बैठे जो है वो डांस सीख सकते हैं। एक फायदा मुझे ना आपकी एकेडमी का ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ये नहीं पता होता कि ऑनलाइन में माधुरी मैम सिर्फ आपको डांस सिखा के चली जाएंगी। कई लोगों को पता क्या लगता है कि हम अपने बच्चों की एडमिशन करवा देते हैं, कि हमारा चाहे इंटरेस्ट नहीं भी है डांस में, बच्चों को करा देते हैं, साल में एक बार पेरेंट्स मीटिंग होगी तो माधुरी जी से मिलने का मौका मिलेगा। ये सच्चाई है पाजी, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है जिस स्कूल में माधुरी मैम के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे सिर्फ 200 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। और वहां पे पेरेंट्स मीटिंग हुई, माएं सिर्फ 70-80 आई, बाप 450 पहुंच गए। 250 लोग वैसे ही पहुंच गए कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इनको देखने के चक्कर में। बाद में पता चले खुद नहीं आई, सबको यही मिला। मैम एक बात बताइए, अपनी एकेडमी में तो आप डांस सिखा रही हैं, लेकिन जब आप खुद फिल्मों में डांस करती हैं, ऐसा सरोज खान जी का कहना है जो हमारे देश की सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर है, उनका ये कहना है कि मुझे माधुरी दीक्षित को कोरियोग्राफ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज मुझे हर बार नए स्टेप्स सोचने पड़ते हैं, बिकॉज इनको जो है अपने पुराने स्टेप्स याद रहते हैं। आपको हर बार नए स्टेप्स क्यों चाहिए होते हैं? मैम हमें तो आपके पुराने भी बड़े अच्छे लगते रहते हैं। अच्छा सोचो, आपके शो पे जी कितनी सारी लड़कियां आती है ना जी, हाउ मेनी पर्सनालिटीज कम हियर जी, तो हर बार आपको नए तरीके से फ्लर्ट करने की क्या जरूरत होती है? ये हुआ है, मैं तो आपके अलावा मैं जिंदगी में कभी किसी को ऐसा प्यार भरने से देखा नहीं। अगर मैं झूठ बोलूं तो ये गिटार वाले को डायरिया हो जाए। ये तो गया मतलब आज। मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग ही सिर्फ आपका शो कपिल जी। ओके लेट्स चेंज द टॉपिक। फूट पहाड़ के नीचे आ गया आज। माधुरी मैम का ये कहना कि इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी आज भी जब ये कैमरा फेस करती है तो पेट में गुड़गुड़ होती है, तो शादी से पहले होती होगी, अब तो डॉक्टर नेने से दवाई लेके जाते हैं। मुझे टेंशन इस बात की है कि जब माधुरी जी को देख के डॉक्टर नेने के पेट में गुड़गुड़ होती होगी, उनको दवाई कौन देता होगा? सर पॉइंट है सोचने वाला। पॉइंट 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 टू बी नोटेड। नोट किया जाए सर। वैसे जो है डॉक्टर नेने, मैं बहुत बार उनसे मिला हूँ, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बड़े ही स्वीट नेचर के हैं, तो आपके एक्सप्रेशन इतने कमाल के हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर आप लड़ती होंगी तो कैसे लड़ती होंगी? अगर आपको एक्सप्रेशन देने डायलॉग मैं बोलता हूँ आपकी जगह। ओके ओके, तो आपने डॉक्टर साहब को ये कहना है कि डॉक्टर साहब गीला तौलिया बेड पे क्यों रखा? Okay. इसे निचोड़िए और धूप में डालिए। ये मैं आपको कहूं? हाँ। सुपर्ब। कहने का मतलब ये, आपको कोई भी बात बोल दो आप तो उसका डांस बना देती मैम, कितना अच्छा लग रहा था ये। अगर हमारे हमारे देश की सब औरतें ऐसे अपने पतियों से झगड़ा करने लग जाएं, तो कभी झगड़ा ही ना हो कभी, तो देखने वाले को लगे डांस कर रहे हैं अभी भी। हमारे तो ऐसे बोलने लगती है गीला तौलिया इधर रख, मरो जाके तो डालो उसको, तो कितना लड़ाइयां होती है। ये अच्छा है। माधुरी मैम का ये कहना है कि मैं जब भी आईना देखती हूँ तो मैं खूबसूरती नहीं देखती हूँ, मैं खामियां ढूंढती हूँ। जो चीज है नहीं वो क्यों ढूंढती हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, हर एक में कुछ ना कुछ खामियां होती है, इम्परफेक्शंस मेक यू परफेक्ट। चलिए मैं आईना हूँ मान लो आप जी। तो आप देखिए मुझे और ढूंढिए कमियां क्या हैं। आईना हूँ मैं आईना हूँ। आप आईना हैं? हाँ। अच्छा। आईना हिल रहा है, किली थोड़ी किली है। ओके। काश मेरी आंखें अगर थोड़ी सी और बड़ी बड़ी होती तो। और कितनी मैडम? ऑलरेडी 5-6 लोग डूब के मर सकते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात। आईना सच बोलता है। मेबी नाक थोड़ी और थोड़ी तेज शार्प होती तो। अरे इतनी खूबसूरत तो है, मुझे तो लगता नहीं कभी ये बदबू वाली चीज सूंघती होगी। अरे मैडम मुझे तो लगता है गोबर भी सूंघे तो ये पिपरमिंट में कन्वर्ट करके सुनाती है।
नहीं और भी अगर ये होंठ जो है वो थोड़े और अरे इतने प्यारे तो हैं है? अब बिट्टू शर्मा की बीवी को होंठ देखो आप अरे क्या बात कर रहे हो अभी तक नाराज हो अपनी बीवी से लास्ट में तुम्हें सिखा के गई थी कैसे रोमांटिक होना है राइट रोमांटिक मैम हम कहां से हैं अरे क्या बात कर रहे हो बुला अपनी बीवी को दिल नहीं कर रहा वैसे मंजू ओफो प्यार से बुलाओ प्यार से बुलाओ प्यार से मंजू प्यार से सुनेगी नहीं और प्यार से बुला ना और थोड़ा प्यार कहां मर गई क्या है मैंने खर्चे 30 रुपए दिए थे ना फिर क्यों तुम तो मुझे बुला रहे हो फिर से हेलो हेलो माधुरी जी हाउ आर यू कैसे हो आई एम वेरी गुड आप अकेले आ गई नेने जीजू नहीं लाए साथ कौन नेने जीजू माधुरी तेरी बहन कब से हो गई है माधुरी देखिए माधुरी मोहिनी जैसी तेरी बहन कोहनी जैसी खबरदार ऐसी बात है कि तो आप बैठे माधुरी मैम मंजू सोच के बोला अगर तू कभी मेरी बेइज्जती करा देती है नहीं मैं इसकी बहन कोहनी जैसी है कोहनी भी वो वाली जिसमें खुशकी नहीं पड़ जाती ऐसे करो तो सफेद लकीरें पड़ जाती है छह की छह बहनों को लाइन में खड़ा कर लो ऐसा लगा काले खट्टे की दुकान पे बोतलें लाइन में लगी हुई है एक इसकी बहन सिंगाड़े जैसी और उसकी आवाज सुनेंगे ना मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं सच में तपा हुआ हूँ उसकी आवाज सुनेंगे ना इसकी बहन की जूसर ग्राइंडर जैसी आवाज जीजू और जूसर भी वो वाला जो सारा संतरा खुद चूस जाता है दो बूंद जूस निकालता है ऐसे करके आप ये देखो माधुरी अपनी सब बहनों में ये बेस्ट है आगे आप समझ लो इसलिए होता नहीं रोमांस हमारा तो शर्मा जी आप कभी भी मुझे मेरी फैमिली से अलग करके देखेंगे एवर आपकी फैमिली भी तो यहाँ से अलग हुए ना आपको बताऊं माधुरी मैम पिताजी माताजी और साथ में पूरी फौज हमारे घर पे डेरा डाला हुआ उन्होंने और फैमिली भी ऐसी हरकतें करती है मेरे को बताते हुए शर्म आती है एक ही दातुन दोनों तरफ से करते हैं कसम से इसका भाई एक तरफ से करता है एक दातुन लेते हैं इस तरह से इसका भाई करता है बड़ा भाई दूसरी तरह से छोटा भाई फिर पिताजी आते हैं बीच में से तोड़ते हैं एक खुद ले लेते हैं माँ को दे देते हैं बहुत हो गया बहुत कहा हुआ आगे तो मैंने बताया नहीं दातुन करने के बाद ना उसके आगे रुई लगा के कान भी साफ करते हैं हद कहा हुई अभी अभी तो मैंने बताया नहीं कान साफ करने के बाद हद तो तब हुई रुई निकाल के दोबारा दातुन कर रहे और जब दातुन करते करते दातुन ऐसे फैल जाती ना ऐसे करके फिर चौड़ा हो गया तो फिर उससे डाई कर रहा है अगर छोड़ दे दातुन को जहां ऐसी फैमिली रहती हो माधुरी जी बताइए कहां रोमांस होगा आपने मुझे ये सब सुनाने के लिए बुलाया मैंने नहीं बुलाया तुम्हें मैंने बुलाया इन्होंने नहीं बुलाया एक रोमांटिक सीन करते हैं आइए अपनी बीवी का हाथ पकड़ी पकड़ ले ये लो आंखें बंद करो आंखें बंद एक लंबी सांस लो मैं आंखें बंद कर लूं उसका ध्यान रखना मुक्का ना मार दे मेरे को नहीं मैं यहां हूं मैं रेफरी हूं एक लंबी सांस कैसे लग रहा है कैसे महसूस हो रहा है ऐसा लग रहा है हाथ में सब्जी वाला थैला पकड़ा है और थैले में सड़े हुए टिंडे बहुत बुरी बात है दिस इज नॉट गुड एक्चुअली आप दोनों को ऐसा रोमांटिक होना चाहिए जैसे घड़ी की दो सुइयां मिलती है 12 बजे ऐसे रोमांटिक होना चाहिए वाह मैं तो 12 बजा दूंगा जो इसके मुंह पे 8:15 बजे उसका क्या करूंगा इनसे कुछ नहीं हो सकता मैंने बच्चा सुला दिया है ओह माय गॉड माधुरी दीक्षित नहीं सैफ अली खान दिख नहीं रहा तेरे को हर
साल आपके गानों पर डांस कर करके ना हर साल गणपति पे फर्स्ट प्राइज लाई हूँ। ये किसने निकाला? और एक ये है, इसकी कमर में हाथ डालो तो गर्दन में हाथ चला जाता है, समझ नहीं आता। आपको अगर ही इतनी पसंद है ना तो कर लीजिए डांस, लेकिन तुम भी याद रखना, ओ हेलो, तुम भी याद रखना, सैलरी के लिए ना तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, ओके? मैम, वैसे ये हमारा नहीं, मेरा भाई है। शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? तुम्हारा भाई है? इससे अच्छा तो अपना बोल दिया अगर। इसमें तो खुशी वाली बात है, उसमें बदनामी वाली बात है जो तू बोलती ना। I blame you for that, शर्मा जी। ओह, मेरे को क्या ब्लेम करती है? आप चुप। उनके हाथ पैर बांध के रखा कर माँ बाप के। मैं इतना बेशर्म बुड्ढा। आप चुप रहिए। 18 बच्चे पैदा करके। बाकी बेइज्जती करना बंद कीजिए। मैं अगर यहाँ रुकूंगी ना तो हाथापाई हो जाएगी। मैं फिलहाल अपने भाई को सुला देती हूँ। इतना बेशर्म आदमी ना 18 बच्चे पैदा करके मैं छत पे खड़ा कंगी करता। ऐसा आदमी तो। अब बताइए माधुरी जी, आपको सुइयों के 12 बजाने के हाथ पकड़ना है? आई एम रेडी। ये है आप बताइए, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? एक्सक्यूज मी, आप प्लीज इनको बता दीजिए कि मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करती हूँ। ए हेलो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? बाहर बॉयफ्रेंड रखा, इधर आकर लोगों के बच्चे खिला रही हो पैसों के लिए, बदतमीज। पैसे की बात मत करना माधुरी जी, आपको पता है मेरी सैलरी ना 3000 महीना है, लेकिन इसने मुझे सिर्फ 500 रुपया दिया और 150 रुपया महीने की EMI फिक्स कर दी। तो इसमें बुरा क्या है? किश्तों का जमाना है। हमने तो कल पिज्जा मंगाया, मैंने 20 रुपए डाउन पेमेंट दी, बाकी एक साल की किस्तें कर ली। देखा आपने, देखा कितने कंजूस है ये लोग। हमें कंजूस कहा तो हम गरीब जरूर है, कंजूस नहीं है। देखिए मैं सब समझती हूँ। आपको पता है मुझे ना यहाँ पर आलू की देखरेख के लिए बुलाया, लेकिन मुझे कहते हैं कि बकरी का बच्चा भी संभालो। कैसी बेबी सीटर और बच्चों में फर्क करती हो? तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। बच्चे की बात हो रही है, बीच में देश कहाँ से आ गया? देश बीच में नहीं आता, देश सबसे पहले आता है। जय हिंद। देखा आपने, जब भी मैं इनसे पैसे की बात करती हूँ ना, ये टॉपिक चेंज कर देते हैं। तो टॉपिक ही चेंज करेंगे, हम बेबी सिटर थोड़ी जो बच्चों को डायपर चेंज करेंगे। डायपर की बात मत करना। मैंने इनसे कहा था कि बच्चे के लिए डायपर लेकर आओ, तो इन्होंने क्या किया, वड़ा पाव में से वड़ा निकाल कर पाव पहना दिया। कहता है पानी तो ये भी सोखता है। यहाँ बैठी बैठी बातें बना रही, जाओ जाके बच्चे के लिए अंदर दूध बनाओ। आप नहीं बनाऊंगी, सुबह से 2 बार बना चुकी हूँ, इसका ससुर पी जाता है। जाकर अपने ससुर को कंट्रोल करो, फिर बनाऊंगी। अभी थक गई हूँ, जाके आलू के साथ सोती हूँ। जब से पता चला ना इसका बॉयफ्रेंड है, इसकी खूबसूरती चली गई। इसका नैनक्षी मेरे को खराब लगने लगे। आप लगेगा इसको। हम अपनी बातें करते हैं। मैम कहाँ बुला लिया आपने मेरी बीवी को? माधुरी मैम ने जितनी भी फिल्में की है ना, उसमें इनके किरदार में एक इनोसेंस रहती है, एक ब्यूटी इनकी अपनी है, भगवान ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरती दी है। मैं ऐसे कभी कभी उल्टा सोचते हैं ना हम लोग, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये चलन होता तो माधुरी मैम कहीं विलेन होती। कैसा लगता ना, जैसे विलेन डायलॉग्स नहीं बोलते, हमने तुम्हारी माँ को उठा लिया है, 10 लाख रुपया लेके काली पहाड़ी के पीछे आ जाओ। हाँ। तो इनके मुंह से कैसा लगता ना? क्या बोल के दिखाओ थोड़ा सा। हमने तुम्हारी माँ को उठा लिया है। वो पीली या नीली कौन सी पहाड़ी थी, वहां आके मिलना। अच्छा ये बात अगर आप बोलती ना कि हमने तुम्हारी माँ को उठा लिया है, तो सामने से हीरो पता क्या बोलता, बाप को भी उठा लो, रो रहे हैं वो। वो बोलते मेरे को लेके नहीं गई। ओके सो दर्शकों, अब टाइम आप लोगों का है, आप लोग अपनी प्रिय माधुरी जी से जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। जी भाई साहब। हाय कपिल जी। हेलो सर। माधुरी जी। हेलो सिद्धू भाई साहब। जूरे वाला। माधुरी जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। माधुरी जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि लोगों को नाना करके प्यार हो जाता है, आपको डॉक्टर नैने से कैसे प्यार हुआ? क्योंकि
मैंने ज्यादा नाना नहीं किया तो नेने हो गया। नेने सर कहाँ मिले आपको? हमारी मुलाकात एलए में हुई थी जहाँ मेरे भाई रहते हैं। जब भी मैं वहाँ जाती थी मेरे हॉलीडेज के लिए तो किसी ना किसी को बुला लेते थे घर पे कि हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके सब फैमिली आने वाली है और कोई ना कोई उसमें मुझे पता था कोई ना कोई होने वाला है उसमें, जिसको देखकर फिर बाद में बोलेंगे वो कैसा लगा ऐसे करते थे। लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब से मिली तो पहली बार मुझे ऐसा लगा, अच्छा अभी कोई मुझे पूछे वो कैसा लगा। अच्छा पहली बार ऐसे महसूस हुआ मुझे कि कोई मुझे पूछे, पूछ क्यों नहीं रहा है कोई। तो वो पूछ के थक गए थे तो एक लास्ट डिच एफर्ट किया था उन लोगों ने। और ऑफ कोर्स मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे। क्या जैसे शादी में देखने आते ना लड़का, हाँ तो डॉक्टर साहब माधुरी जी को देखने आए थे, उन्होंने अभी संस्कृत में बोला। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप डॉक्टर नेने के बारे में ज्यादा पूछताछ ना करें, नहीं तो आपको नेने के देने मैम आपको ऑनलाइन इसके लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। भाई साहब आप बताया नहीं आप कहाँ से आए? मैं सर मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए? हाँ। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? थैंक यू। माधुरी मैम आपके जितने भी गाने, तकरीबन सारे गाने हिट हुए और हर गाने में एक अलग अलग तरीके के स्टेप्स होते हैं जो लोग उनको फिर यूज भी करते हैं अपनी विवाह शादियों में, एक सिग्नेचर स्टेप बन जाता है लोगों के लिए। यहाँ पे हमारे जो दर्शक हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं, ये भी आपको आपकी वेबसाइट के लिए अपना अपना कोई सिग्नेचर स्टेप गिफ्ट करना चाहते हैं। अरे वाह क्या बात है। तो कौन है मेरे भाई बंधु जो ऐसा करना चाहते थे? जी एक तो वो बैठे हैं, एक मैडम है वो देखो इधर भी है। जी मैडम ओके, मुझे मैं तो खुद मेरा डांस में हाथ बड़ा टाइट है पर मजा बड़ा है आपको देख के, अब बड़ा दिल खोल के नाच रहे हैं। और एक और चीज मुझे आपकी अच्छी लगी, आपके डांस के बाद आपने खुद ही ताली बजाई, उनको विश्वास नहीं था कि कोई बजाएगा। कहते हैं आदमी जब नाचे तो ये सोच के नाचो कि कोई नहीं देख रहा। हाँ बस, और कोई नहीं देख रहा था। हेलो कपिल सर एंड हेलो माधुरी मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं एक गाने पर डांस करना अच्छा, चाहता हूँ। मुझे लगा जिस टोन से आपने शुरू किया आप कविता पेश करने वाले। हेलो सर, हेलो, हाँ मैं कविता पेश करूंगा महंगाई के ऊपर। आपको लगता है इतनी धुआंधार परफॉर्मेंस जो हुई है, पहले तो आप बताइए मैम इनमें से कौन सा स्टेप आप अपनी अकेडमी में उसमें डालेंगे वेबसाइट पे? बहुत सारे थे, मतलब बहुत इनोवेटिव स्टेप्स किए सभी ने। जो आपने बनियान वाला कहा वो तो बहुत बहुत ही खूबसूरत था, और तम्मा तम्मा तो एकदम ही अलग लग रहा था आज। तो ये सब स्टेप्स अलग, दूसरा अलग अलग, तो बहुत ही खूबसूरत ये स्टेप्स तो जरूर जाएंगे। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? शाह अजर जी। हाँ। कौन से गाने पे डांस करना चाहेंगे आप? धक धक करने लगा। ये थोड़ा इनोवेटिव आइडिया है ये। थैंक यू सो मच। बिट्टू शर्मा घर पे ही हो? नहीं बाहर गया हूं, जब दिख रहा था पूछ क्यों रहे अड्डा साहब। आप कहां थे 1.5 साल से? मैं इधर हिमालय गया था सन्यासी। उधर क्या करने गए थे? उधर हमारे फ्रिज में बर्फ कम हो रही है इसलिए लेने गया था। देखो आपको नहीं पता भी हिमालय आदमी क्या करने जाता है? हिमालय आदमी दो काम करने के लिए जाता है, एक तो हनीमून मनाने जाता है और दूसरा वो ध्यान करने जाता है। मैं उधर हनीमून नहीं ध्यान करने गया था। क्यों हनीमून क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हनीमून वाला पैकेज मेरा एक्सपायर हो गया है। खैर सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जो वो मोहतरमा है वो उधर मुंह करके क्यों बैठी हुई है? चड्डा साहब क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे आप? अब कोमा में गया हूं, आदमी कैसे बोल सकता है? उधर मैंने ठंडी से बचने के लिए इनका कैलेंडर भी अपने कमरे में लगाया हुआ है। बिट्टू शर्मा तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मैं ना इनका ही ध्यान उधर करने के लिए गया हुआ था। और देखो मेरा ध्यान कितना पक्का, मेरा ध्यान सफल हो गया। एक टांग पे खड़ा होकर मैंने ध्यान किया था। एक टांग पे करोगे दूसरी तो आपकी कब्र में है। चड्डा साहब सोफे में बैठे बैठे आप गिर जाते हो,
कौन सा ध्यान, किसकी बात कर, जाके अपना इलाज कराइए, जाइए। अच्छा कोई बात नहीं, इलाज करवा लेंगे। मैं डॉक्टर नैने से अपना बीपी चेक करवाना है मैंने। वो आपका बीपी चेक क्यों करेंगे? क्यों, बड़ा भी उनकी बीवी की वजह से ही है। माधुरी जी, जब मैं उधर ध्यान कर रहा था ना हिमालय में, तो मैंने आप पे थोड़े थोड़े से शेर भी लिखे हैं। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। ना बोलूं तो कलेजा फूके, बोलूं तो जुबान चले, बोलूं तो जुबान चले। ध्यान से शेर सुन लीजिए, लास्ट है, उसके बाद ऊपर को चले। ऐसे कैसे ऊपर चले भाई? अभी मैंने रात को इनकी ऑनलाइन एकेडमी में एडमिशन लिया है। डांस एकेडमी में। इनकी एकेडमी में आप ऐसे एडमिशन नहीं ले सकते। कैसे ले सकता हूँ? आपको पहले बताना पड़ेगा, आपको कुछ आता भी है कि नहीं? देखो हाथ लाना आता है, सारा लाना आता है। लेकिन उसके लिए क्या है, हाँ जी, एडमिशन लेने के लिए एक चैलेंज लेना पड़ता है। क्या है बताइए? आपको एक मैड्स मिनट करना पड़ेगा, मतलब एक मिनट का कोई भी एक स्टेप आपको सीख के वो करके दिखाना पड़ेगा। वहां देखिए, सो लेट मी शो यू द फीट। द लेफ्ट फुट इज इन द फ्रंट, द राइट फुट इज बैक, एंड ऑल यू हैव टू डू इज गो फॉरवर्ड बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड बैकवर्ड्स, विद योर हिप स्विंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, यू आर गोइंग टू गो डाउन। नाउ लेट्स कम टू योर हैंड्स। योर लेफ्ट हैंड विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, राइट इन फ्रंट ऑफ योर फेस, and this will form like an L, as if it's the TV, and your right hand is going to be near your eye like a lens, as if you're watching through a lens. So it's TV pe breaking news. Whoa! ऐसे चड्डा साहब। हाँ। अभी म्यूजिक बजेगा, उस पे करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करते नीचे जाना है और उसके बाद सीधा ऊपर। हाँ जी, म्यूजिक किसने देना है भाई? अरे बाप रे, एम्बुलेंस। कोई नहीं, थोड़ा सा मरे हैं, कुछ नहीं। ये ले जाइए इनको बाहर प्लीज। मैं क्या भी रहा था, एल बनाएंगे ये। जाके अपना जबड़ा बनवाओ कहीं से, एल बनाने फिर लेके जाइए इनको। खुद ही बैठे उठाएंगे नहीं, चलो चलो। और मैंने जाने मेरी छड़ी, मेरी छड़ी। सुपर। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पारी, कुछ लोगों का ध्यान ना अपने आप को छोड़ के दूसरों की कमाई पे बड़ा रहता है। हमारे आसपास बड़े लोग मिल जाते हैं। हाँ हाँ। अपने कई एक्टर आते हैं ना, उनकी माँ को पूछते रहते लोग, बेटा दो दो सीरियल कर रहा है बेटा, 20-25 लाख तो छाप लेता होगा। माँ बोलती है नहीं नहीं नहीं, 5-6 लाख कमाता। वो फिगर इतना बताते ताकि आप सही बताओ कि कितना कमाते हैं। कुछ लोग तो बाजी आपका बड़ा ध्यान रखते हैं। कसम से कई वेले लोग मिल जाते हैं, हमें बाहर बैठे रहते हैं ऐसे, भाई सिद्धू जी का बड़ा भाई, माशाल्लाह बड़ी कृपा भगवान की। आप देख लो कॉमेडी नाइस के इतने पकड़ लो, कमेंट्री के इतने पकड़ लो, कभी कभी किसी का उद्घाटन करने जाते, इतना 60-70 लाख तो अंडर कर लेते होंगे। आदमी अपने टैलेंट से अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, तुम लोगों को क्या कमाता खुद रहता है, बिल मेरे पे फाड़ता रहता है। गांव में लोग जो करते हैं भाजी, फसल बोते ना जब भी, फसल बो दी, पता है 6 महीने बाद कटिंग करनी, उसके बीच में क्या करें, कुछ है ही नहीं काम करने को, बैठे बैठे नाके बाल तोड़ते रहते। नाग इनकी फसल से ज्यादा उपजाऊ होती, पूरा साल बिजी रखती इनको। आप देख लो मुंबई में तो खैर थोड़ा कल्चर ही अलग है, एक फ्लोर पे रहते, एक दूसरे को जानते नहीं होते। गांव में प्यार मोहब्बत बड़ी होती है, एक आदमी डिब्बा लेके सुबह बाहर जाता ना, पड़ोसी को वैसे ले जाता है। उसको प्रेशर हो ना हो, वैसे ही वो पैंट खोल के बैठ रहता है साथ में। अगला अपना पेड़ खाली कर रहा है या टाइम पास कर रहा है। हालांकि ये जो चीजें होती हैं गांव में, बड़ी बड़ी प्लानिंग इसी दरमियान हो जाती है, बेटो बेटी के रिश्ते तय हो जाते हैं बैठे बैठे। अब मैं खैर करके बताना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, कई लोग इतने वेले होते जाके सड़क खुद रही ना कहीं पे, या कोई सीवरेज पाइप की खुदाई हो रही, वहां पे जाके खुदाई देखने रहते हैं। खुदाई में से कौन सा खजाना निकलेगा? आपको पता है सीवरेज की पाइप में खुदाई में क्या निकलता है? और कुछ लोग तो इंजीनियर को भी सलाह देने लगते हैं, भाई साहब 6x6 का पाइप डाला है, 8x10 का डालते तो अच्छा रहता। इंजीनियर भड़क जाता, भाई साहब मेरे को पता है, इंजीनियर मैं हूं क्या आप? नहीं, इंजीनियर तो आप है, लेकिन मोहल्ले के लोग कितना खाते हैं तो मेरे को पता ना।
वेले लोग किसी गांव के लड़के के बारे में चाचा बता रहे थे, इतने निकम्मे बच्चे हैं यहाँ के, कोई काम नहीं करते। अभी गाय आएगी, गोबर करेगी, निशाने मारेंगे। मैंने कहा गोबर सूख गया, दूसरी गाय आएगी वो करेगी, फिर निशाने मारेंगे। सुबह से शाम तक देखता रहा तो निकम्मे कोई काम नहीं करते। मैंने कहा चाचा आप क्या करते हो? अब हम भी काम करने लगे तो निकम्मों पर नजर कौन रखेगा, खुद भी बेल ले। अच्छा कुछ लोग भाजी खुद को करना आता नहीं, कुछ दूसरों के काम में गलतियां बड़ी निकालते हैं। जैसे मैंने पहले कहा सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं ना, विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, अरे यार ये नहीं मारना चाहिए था इसको, इधर से मारता चौका आ जाता। खुद गिल्ली डंडा खेल के आंख फुड़वा के बैठा है, तेरे को क्या लेना। बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई ना कोई कमी निकालनी हो। आप सबके आसपास भी मेरे बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे, आप सब लोगों का भी कई ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता होगा जो हमेशा कमी निकालते हैं, चाहे आप जितना मर्जी काम कर लो। कोई है मेरे दोस्त जो ऐसी कोई बात शेयर करने जा? जी मैडम। हेलो। हेलो। हाय कपिल। हाय। हाय सिद्धू जी। हाय। माय सेल्फ कजरी, आई एम फ्रॉम कजरी। या कजरी, कहाँ से हैं आप? कानपुर। कानपुर से जी। ओके। आप जैसे बोल रहे थे कि कई लोगों को कमी निकालने की आदत होती है, मेरी मदर इन लॉ वो थोड़ी क्रिटिसाइजिंग है। आई है साथ में कि नहीं? जी। इस बहू के लिए जोरदार तालियां, इतनी डेयरिंग बहू मैंने नहीं देखी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर कर रहा मैंने जी, आपसे। वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे घर जाके आपसे। जी। तो जैसे अगर मैं खाना बनाती हूँ तो मतलब अरे मतलब खाया बट वो मजा नहीं आया, अगर जीरे का छौंक होता तो और अच्छा होता, तो वो कमी कुछ ना तो कुछ मम्मी के साथ तो आई है ना। जी जी जी। उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सा मजा ढूंढती हैं आप चावल में से, बताइए जरा, ऐसा होता है सच्ची में? एक्चुअली क्या है, हम लोग का डिफरेंस है, ये मारवाड़ी घर से है और हम पंजाबी। एंड आप बीइंग अ पंजाबी आप तो जानते होंगे हम लोग चटपटा अदरक लहसुन टमाटर प्याज हर चीज में डालते हैं। और ये मीठा मीठा खाते होंगे? ये खाली जीरे का चौंक में सब कुछ बनाना जानती है। मैं आपका रिलेशन समझ सकता हूँ कि आपका बड़ा सहेलियों जैसा रिलेशन है, नहीं तो ऐसे तो बहू कभी भी नहीं बोल सकती कि मेरी सास को नुक्ता चीनी करने की आदत है। पारी कर दो, यहीं पे कवर अप कर लो, किसी करो अपनी सास को। चलो शुक्रिया मैम, आप हमारे शो पे आए। और कोई मेरे दोस्त? जी मैडम। हेलो। हेलो। एक्चुअली आई वांटेड टू टेल अबाउट माय मॉम, शी इज अ परफेक्शनिस्ट, वो हर चीज में इतना नुक्स निकालती है। आपको देख के लग ही रहा है शी इज परफेक्ट। तो क्या नुक्स निकालती है? 7th 8th स्टैंडर्ड से हम लोग मम्मी की हेल्प करते थे किचन में, तो कढ़ाई में हमने अगर करछी दूसरी ले ली या चम्मच दूसरा ले लिया, अरे इससे नहीं उससे क्यों नहीं ये वाला तवा क्यों नहीं, मतलब इट्स गुड एक्चुअली, लेकिन वो हर चीज में नुक्स निकालती है, बट वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर बिकॉज़ ऑफ दिस। ये तो अच्छी बात है। शादी हो गई आपकी? या मम्मी ने लड़का ढूंढा था कि आपने खुद? दोनों ने मिलके मैंने आज तक कभी नहीं सुना माँ बेटी इकट्ठी कैसे मिलके ढूंढ सकती है, या तो माँ ढूंढती है या बेटी ढूंढती है। बस मेरी चॉइस थी। अच्छा कड़छी मम्मी की चॉइस की, लड़का बेटी की चॉइस? अब बताइए मुझे, मम्मी इतनी इंटरफेरिंग होती तो फिर लड़का भी अपनी पसंद का ढूंढती, तो इसका मतलब मम्मी दूसरे काम में बोलती, नहीं तो अदरवाइज तो आपको प्यार करती वो। हाँ। नहीं तो मम्मी लड़का भी लेके आ रही है, बेटा कड़छी भी मेरी लड़का भी मैं लेके आऊंगी। एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर। जी। एक साल हुआ शादी को, बॉम्बे में हम लोग। लेके नहीं आए आप हस्बैंड को साथ में? वो यूरोप गए घूमने के। अकेले गए घूमने? हाँ कंपनी की तरफ से। नहीं पर कंपनी की तरफ से वो गए, खुश तुम हो रही हो, क्या चक्कर है? मम्मी आ गई ना मेरे पास इसीलिए। आपको क्यों ले गए, एक साल ही तो हुआ अभी। नहीं नहीं उनकी कंपनी तरफ से उनको ही जाना कंपलसरी। चेक करो इधर ही ना होटल लेके रुके हुए कहीं। वो काफी लेट आते थे घर में हमेशा। अच्छा। तो ऑलवेज इट वाज अ फाइट की नई नई शादी है, क्यों लेट आते हैं क्यों लेट आते हैं, माहौल खराब नहीं होना चाहिए। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देख के हम लोग एकदम मतलब आई यूज टू बी हैप्पी फॉर एवरी डे हाफ एन आवर वन आवर आई यूज टू मतलब सी ऑल योर शोज। अब 11:30 तक कॉमेडी नाइट्स देखते रहते हैं। या दैट टाइम आई वाज नॉट वर्किंग। आप रिपीट देख लिया करो अगले दिन आप। एंड माहौल अच्छा रहा, रिलेशनशिप अच्छी रही, एंड नाउ अच्छी बात है, एंड नाउ आई एम प्रेग्नेंट।
चलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से. थैंक्स टू योर टीम. शुक्रिया मैम. थैंक यू. सारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विरोध और तमाम चुनौतियों के बावजूद वो लोग करके दिखाते हैं. मेरा कोई है ऐसा दोस्त यहाँ पे? जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है वाणी चतुर्वेदी, लेकिन सब लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं थपकी. थपकी क्यों बुलाते हैं आपको सब? ऊपर आइए. अच्छा तो आप वो वाली थपकी हैं. मैंने आजकल आपके प्रोमोज देख रहा हूँ, टीवी पे चल रहे हैं. थपकी, आपका नाम थपकी कैसे पड़ा? वो क्या है ना, मैं रुक के बोलती हूँ तो बचपन से मेरे माँ और पापा जब भी मैं रुक के बोलती हूँ मेरी पीठ पर जोर से प्यार की थपकी देते हैं. अच्छा तो आपके घर वाले तो प्यार से थपकी देते हैं, लेकिन जब कोई बाहर आपका कोई मजाक उड़ाता है तो आपका दिल नहीं करता उसके मुंह पे थपका दूं या खींच के? ऐसा भी फील होता. अच्छा थपकी एक बात बताइए, आपके पास हमेशा एक थैला रहता है, ये वाला क्या होता है इस थैले में? इस थैले में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब खास तौर से दो स्पेशल चीजें हैं. एक तो खट्टा मीठा आम पापड़ और एक चॉकलेट्स. जिन भी लोगों का यहाँ मूड खराब है ना, वो मुझसे खट्टा मीठा आम पापड़ ले लीजिए. यहाँ पे नहीं बिकेगा आपका आम पापड़, यहाँ पे किसी का मूड खराब होता ही नहीं. थपकी आप भले ही रुक रुक के बोले, लेकिन ये हमारी दुआएं हैं कि आप जो भी करें अपने मकसद में कामयाब हो और लोगों में ऐसी खुशियां बांटती रहे. तो आप सब लोग भी देख सकते हैं थपकी की कहानी, थपकी प्यार की, कल से सोमवार से लेकर शनिवार रात 7 बजे ओनली ऑन कलर्स. थैंक यू सो मच थपकी, आप हमारे शो में आई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके शो के लिए. आइए आलू फिर रो रहा है अंदर. ये ना चंपा बच्चे का ध्यान नहीं रखती, बदतमीज. ए जबरुआ. सिद्धू साहब नमस्ते. नमस्ते. मेरा तो दमाद जी घर में दिल ना लगाया बिल्कुल भी. क्या हो? बस साफ सुथरा सफाई रखा है यहाँ पे, साफ सुथरा घर इनका. देखो जब तक 10-12 मच्छर ना काट ले मुझे तो मजा ना आया बिल्कुल भी. हमारे घर में तो इतने खटमल, इतने मच्छर, वहाँ मैं क्या बताऊँ. बड़ा अच्छे मच्छर है, बड़े बड़े टैलेंटेड. पहले तो ले पकड़ ले जबरू. जबरू बड़े टैलेंटेड मच्छर हैं. पहले तो गाना सुना मैं कान के पास आके. फिर एक ही दौड़ के आ जावे शास्त्रीय संगीत सुनावे. इसके बाद इतना कुछ कर देवे मैं, तू जगह बताऊँ मैं, यहाँ काट इतना कुछ कर देवे. अच्छे बच्चे हैं ही बड़े अच्छे. मेरे पिताजी ने तो मुझे मतलब एक ही बात सिखाई है कि गंदा जीवन टुच्चे विचार, बस. ए जबरू हंसता रहे पड़ा थे, यहाँ रख दे सामान. बेटा कपिल का घर है? अरे दमाद जी है. अच्छा यही कहीं होंगे अंदर. 5 मिनट मेरी बेटी के बिना ना रह पावे. जब तक उनके होंठों पे 2 मिनट शेर ना सुना देना तो चैन ना पड़ा उसको. आप उनकी सास होंगी? आपको कैसे पता? वो कह रहा था कि बड़ी कमीनी सी है. ये तो ये... इस कमीनी ने तुमको पहचान लिया जी. अरशद वारसी हैं आप? जी जी. क्या बात है? जैकी. और ये फॉरेन? फॉरेन. हेलो आई एम लॉरेन. लॉरेन है? लॉरेन. हाँ हाँ तो फॉरेन से आई है तो लॉरेन ही होगी. जहाँ पैदा हुई होती अंजू मंजू ही हो गई थी और मंजू हो गई थी. चलो अच्छा हो गया तुम लोग आ गए, चलो काम करा लेती हूँ. अरशद आ गए तुम तो बेटा. ए बकरी में से दूध निकाल दो. जाओ. अरे बकरी में से क्यों दूध निकाल दो? पिक्चर प्रमोट करने आया हूँ. क्या लॉजिक है? बकरी में से दूध ना निकालोगे तो फिर दूध में से बकरी निकालोगे तुम? हम लोग का यहाँ कुछ होने नहीं वाला है तो हम लोग चलते हैं. अरे ना 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 रुको 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 रुको. जैकी भागना नहीं. आपको मेरा सरनेम पता है? सरनेम नहीं बात कर रही हूँ मैं तो कह रही हूँ सो लंबी देर तक चलता है ना तो जैकी भागना नहीं. रुके रहो यहाँ पे, भागना नहीं.
और कुछ कहना? अरे लॉरेन ना टेस्टी नहीं है ये तो गोबर है, एक काम कर लॉरेन, स्पेशल डेलिकेसी फ्रॉम इंडिया। ये क्या है? ये एक गोबर है। अब हाँ, इसके उपले बना दो, तुम्हारे हाथ देखो कितने सुंदर हैं, तो केक लगेगा उपले बनने के बाद। चलो बनाओ, हाँ चलो बना दो। This isn't fair यार। ना ना दीजिए फेयर। अर्शद, जैकी, लॉरेन, वेलकम टू कराची की क्लास के लिए जोरदार तालियां। मुझे क्या बात कर दी आपके साथ? बचा लिया, ये तो बड़ी खतरनाक औरत है यार। सासू माँ क्या कर रही है आप? अरे वो लॉरेन आई थी तो मैंने कहा चलो उपले बनवा लेती हूँ गोबर के, और क्या। आपको शर्म नहीं आती? लॉरेन मेरी गेस्ट एक तो फॉरेन से आई, उससे उपले बनवा रही हो आप? फॉरेन में भैंस गोबर ही देवे, केक थोड़ी देवे। ये उल्टी सीधी बातें बंद करो, अपना सामान उठाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ना ना मैं ना जाती, मैं तो लॉरेन से बात करूँ। इधर आओ लॉरेन, तुमको पता जवानी में बिल्कुल मैं तुम्हारे जैसी दिखती थी, एकदम रशियन। सासू माँ, लॉरेन रशियन नहीं है, यूएस से आई है वो। यूएसए से आई है? कैसी फालतू बातें कर रहे हो? अरे फालतू से याद आया, तुम्हारी पिक्चर भी थी ना एक फालतू, नाम क्या था उसका? फालतू कपिल सर से जी, कि मेरी पहली फिल्म का नाम था कल किसने देखा, जो किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन इधर मैं आ गया हूँ आपके शो में, तो मुझे लगता है ये फिल्म तो सब देख ही लेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। सासू माँ जाइए, आपका आलू रो रहा है, अंदर जाके उसको चुपराइए। अरे हाँ, ऐसे कैसे चले जाऊं? अभी लॉरेन आइए, देखिए आए यहाँ पे, तो हम मिलके चुप कराएंगे सारे, पकड़ो इसको बेटा। You have to carry it like this. Like this? Yeah. You have to. Carry it like this. आ बेटा आ जा। ए आलू, तेरे लिए नहीं लाई हूँ बेटा। अर्शद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, वेलकम टू कराची। अच्छा क्या आपने कचरा हटा दिया? चलिए भाई, आपने बताया नहीं आप कराची शिफ्ट हो रहे, क्या मसला क्या है फिल्म का? नहीं यार, मैं कहीं नहीं शिफ्ट हो रहा, मैं यहीं हूँ। तो ये वेलकम टू कराची का क्या क्या सीन क्या है इसका? इस फिल्म के अंदर ये है कि बाई डिफॉल्ट हम दो बेवकूफ लोग हैं जो कराची पहुंच जाते हैं, और जहाँ पे हमारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, और तो बेसिक, और वहां से कैसे क्या जद्दोजहद करके हम लोग वहां से निकलते हैं, बेसिक कहानी उसकी। आपको पता पाजी, पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किसी इंडियन फिल्म को प्रमोट करने के लिए वहां पे इनविटेशन दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। ओके, क्योंकि क्या है कि इंडिया में हमारी पिक्चर कोई देखता नहीं ना। इतनी दूर दूर के देश ढूंढ रहे हैं, चाइना जाएंगे इसके बाद, साइबेरिया जाएंगे। मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, मुझे ऐसा लगता है अर्शद भाई आप ना राजू हिरानी साहब के बहुत ज्यादा ही फैन हैं। हाँ, उनकी फिल्म थ्री इडियट्स से देख के आपने वैक्यूम क्लीनर से वहां डिलीवरी कराई अपने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो और इतने बड़े फैन हैं आप, ऐसे काम करते रहते हैं? हाँ, उनकी वो जो अभी पीके आई थी ना, उस टाइम मैं ट्रांजिस्टर लेके घूम रहा था बहुत टाइम तक। पूरी तरह कवर नहीं होता, मैंने फ्रिज लेके घूमने लगा। अच्छा, आ बिट्टू शर्मा, लुक लुक बुरा लुक। ये क्या है बेटा, दुकान के किराए का बिल भेजी आपने बेटा? बेटा बात हुई थी अगर कपड़ा बिकेगा तो किराया भरा जाएगा, वरना KNOW नो। आंटी अभी जाओ, हमारे गेस्ट आए, बाद में बात करते जाइए। बेटा आपके ससुर जी से, इनके ससुर से ये भी बात हुई थी कि इनके घर पे जो भी गेस्ट आएंगे वो सबसे पहले मेरी दुकान का एडवर्टाइजिंग करेंगे। आपने बताया नहीं अर्शद पारसी जी है। पारसी नहीं, वारसी। अर्शद वारसी। यही बेटा आपकी यही बात ना मुझे बहुत पसंद है, आप हमेशा कुछ नया करते हो।
नहीं, पारसी तो आते हैं, ये वारसी लाए। खास कंगन को वारसी क्या? तो आप भी कभी कुछ नया करो, हमेशा मुंह में पानी भरकर आ जाती हो, कभी हाथ में चाय लेके आओ। आप आए हैं जी। आपको मतलब जो दुकान है, मेरी दुकान बेटा मेरी, तो आपको इसकी एडवर्टाइजिंग तो करनी होगी, आपको एडवर्टाइजिंग करनी होगी मेरी दुकान की। आपकी दुकान लेडीज कपड़ों की है, वो कैसे करेंगे आप? साड़ी वाड़ी तो पहनता नहीं मैं। आपने एक फिल्म की थी जो भी करवा लो, आप करवा लो, यूं को ना बोल रहे हो, तो गलत बात हो गई बेटा, गलत बात हो गई जी। अच्छा तो क्या करूं मैं आपके लिए? नहीं, आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, वो रुक जाते हैं, आए आए आए, कोई नहीं, आप इधर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट वाला कच्चा, ये आपको करनी एडवर्टाइजिंग। अच्छा तो ये बहुत अच्छा सिलती है भाई, बंद गले का पेटीकोट बड़ा अच्छा सिलती है। ये जो कच्चा है जी, हाँ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है जी। वाह 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 वाह, बूढ़ा हो या बच्चा, जिंदगी भर पहने पंगुड़ी का कच्चा। मेरा कच्चा कोई और पहनेगा बेटा, तुम मैं क्या पहनूंगी? ये बहुत अच्छा कच्चा है, आप रखिए, आप पहनिए, ये जैकी आ रहा है उसको पहनाइएगा। आंटी ये बच्चा आप रख लीजिए। बच्चे के लिए तो कुछ है नहीं मेरे पास, कच्चा है, बच्चे को आएगा नहीं, वो सब छोड़ आंटी जाओ लेके जाओ अंदर बच्चा, सासू माँ का दे दो मेरे को। दुकान पे कभी भी कपड़ों की जरूरत हो इधर आना। एक बार लॉरेन जैकी और अर्शद के लिए जोरदार ताली हो जाए, आप विराजमान हो जाइए। यार, have a seat, baby. बंदा बहुत तगड़ा है। I have a confession to make. We go way back, झलक। Yeah. We go way back. I'm missing you so much. चलिए जैकी कहीं चलते हैं। No. बहुत हो गया। See the thing is. दो मिनट, इतनी इंडियन हीरोइन आई कभी किसी ने भाव नहीं दिया। अगर कोई आई है वो भी सीधा ही वो उस कंट्री से जहाँ का वीजा नहीं मिलता। तो वो अगर थोड़ा भाव दे रही है। भाई आप जैकी क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? एक तो आप लॉरेन की फ्रॉक पहन के आए, ऊपर से आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हो। Why you gave me your frock? अरे जब मैंने आपके जूते देखे तो मुझे लगा घोड़े पे आए हुए। आपको पता भाजी जैकी, जैकी आपका पहले वेट कितना था? मेरा ज्यादा नहीं था, 140 137 137। और अभी कितना है? अभी है 77 77 मतलब आपने अपने कितना वजन कम हो गया? मैंने 60 किलो थी। 60 किलो मतलब ऑलमोस्ट एक आदमी बाहर निकाला है अपने में से। तो वो जो आदमी आपने बाहर निकाला वो क्या कर रहा है आजकल? यार कमाल है, मतलब पाजी कितना अच्छा मौका पाजी। अर्शद भाई ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में, लॉरेन इतने सारे डांस रियलिटी शो जीत चुकी हैं, जैकी ने भी डांस में कुछ नहीं किया है। 17 करोड़ था। प्राउड ऑफ यू। इसका डांस देखकर थकावट हो जाती पाजी, सांस चढ़ने लगी, अभी रुकेगी रुकेगी। वो इंडियन टाइप्स।